सनम तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, कत बस आज ये दहशत हो। श्री गुरु रामदास जी दे वसाए हुए शहर अमृतसर दा रहन वाला मानस रतन, बेहतरीन आवाज नाल बुलंद मानस। अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा मानस, एक सिंगर बनने की ख्वाहिश रखने वाला मानस, उसके पेरेंट्स अते उसके स्कूल की उसनु बहुत सपोर्ट है। मानस रतन सिंगिंग के खेत्र विच वड्डियां मल्लां मार रहा है। मानस बचपन तो ही सिंगिंग के खेत्र विच कई प्रतियोगितावां दा जेतू रह चुका है। उम्मीद है कि मानस अपने मकसद विच जरूर कामयाब होएगा। महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी, सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब, तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम, तुझ से सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी आज रुसवा
तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। साढ़े बच्चा बहुत वधिया पर पढ़ाई च भी हर गल च भी हर तरह का लियाकत ना बोलता हर एक नाल बाकी सिखा दी बस इन भगवान होर शक्ति देवे बड़े फुले बस होर तरक्की करे। साडा बेटा मानस असं कहने कि सिंगिंग जी लाइन च आ रहा जी लाइन च आ रहा वो अगे निकले बाकी सारे परमात्मा वालों जो होएगा वो तो सू मंजूर है असं कहने तरक्की करे। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है हर एक्टिविटी में इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन एवरी एक्टिविटी और उसकी सबसे बड़ा पैशन जो है वो सिंगिंग है और सबसे पहले वो लेके आया था 8th स्टैंडर्ड में अपने लिए मेडल और उसके बाद उसकी जो लाइफ है उसने अपनी लाइफ में गेन ही गेन किया है सिंगिंग में। हम चाहते हैं कि आगे से वो और गेन करे और ये हमारी बेस्ट विशेज हैं उसके लिए। हमने पंपलेट में पढ़ा था न्यूज़पेपर में आया था KKHT के बारे में और वो था अमृतसर में अजंता पब्लिक स्कूल में उसमें उसका मतलब पसंद की गई उसकी आवाज़। नेक्स्ट टाइम उसने दोबारा शूट किया उसके लिए वो भी अजंता पब्लिक स्कूल में। थर्ड टाइम उसका बटाला में हुआ और ही वो सिलेक्टेड हो गया क्वार्टर फाइनल के लिए। और जब भी हम कोई बुक के बारे में और कोई पेन के हमारा हमेशा झगड़ा होता है और कई बार मेरी हेल्प भी करता है हमारे वर्क करने में। कई बार ये मुझे हारमोनियम पे सरगम सब कुछ सिखाता है कई बार डांट भी देता है। मेरी बेस्ट विशेज हैं कि KKHD जीत के आए। हाय आई एम मानस सतन। मैं सिंगिंग को बहुत चाहता हूँ इवन कि जब मैं छोटा सा था तब से मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहते थे कि तू बहुत अच्छा गाता है और फ्रॉम द लास्ट टू ईयर्स आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस ऑफ द सिंगिंग टू बिकम अ गुड सिंगर और मेरा पैशन भी यही है कि मैं खुद ये एक अच्छा सिंगर अपने पेरेंट्स को बन के दिखाऊँ। और चाहे मैं स्टडीज़ में इतना नहीं अच्छा क्योंकि मेरी टाइम नहीं मिलता और लेकिन मैं सिंगिंग में चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन हो। मैं डेली फुल 1 आवर प्रैक्टिस करता हूँ सिंगिंग की और यही है कि मैं एक अच्छा सिंगर। एक बार न्यूज़पेपर जब मैं एक छुट्टियों में जब मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उस टाइम मुझे एक ब्राउशर मिला जो KKHT की तरफ से था तो उसमें चांस था कि मेरे पास एक चांस था कि मैं उनमें जाकर एक अच्छा सिंगर बन सकूँ। अपने आप को एक टेस्ट करने का एक मौका मिला तो मैं ऑडिशन देने गया और वहाँ पे जो थे हमारे जजेस थे उन्होंने बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स दिए कि आपने बहुत अच्छा गाया तो उसके कारण मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैं और चाहता था कि अब मैं इस लाइन में आगे जाने की कोशिश करूं और इसके कारण मैंने अपना ये मोटिव बनाया है कि मैं अब ये अब KKHT का जो ट्रॉफी है वो घर पर लेकर गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे मुझे भी एक रास्ता मिल गया अपने पैशन की तरफ जाने का क्योंकि काफ़ी शोज़ होते हैं लेकिन उनमें कई तरह की डिमांड्स होती हैं कि वो कहते हैं कि वो ज़्यादातर प्रैक्टिसिंग के लिए कहते हैं हमें कि आप अभी अच्छे नहीं हो क्योंकि वो हमें सीधा निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये शो था कि इन्होंने सीधा हमें पहले कहा था कि आप अच्छा गा रहे हो आपको आगे प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत है लेकिन आप हमारे साथ आगे जा रहे हो। ऑडिशंस फर्स्ट ऑडिशंस में इन्होंने मुझे चांस दिया इसलिए मैं इनका बहुत थैंक यू करता हूँ कि मुझे एक अच्छा चांस मिल गया आगे जाने का। So